प्रधान सुनवाई करे ना कोई सुनवाई करे, सबसे बड़ी कमी है प्रधान की। जब जनता ने वोट दिए तो कम से कम उस गांव का वो तो करो, समाधान तो करो। सोना की घड़ी में हालात नारकीय। ब्लॉक बरौली अहिर के ग्राम पंचायत अकबरपुर के सोनाई घड़ी में हालात नारकीय बने हुए हैं। सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, जिस पर हल्की सी बरसात होने पर ही लबालब पानी भर जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों के साथ साथ राहगीरों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपको बताते चलें कि तमाम स्कूली बच्चे भी अलग अलग विद्यालयों में इसी सड़क से गुजरते हैं, जिसके चलते कभी कभी तो नौनिहाल इस गंदे पानी में गिर भी जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें चोट भी लग जाती है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत जनप्रतिनिधियों से भी की गई, लेकिन अभी तक इसका कायाकल्प नहीं हो पाया। जनता ने आरोप लगाया कि नेता सिर्फ वोट के लिए आते हैं और उसके बाद उनको उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों को लेकर लोगों में बेहद गुस्सा है और उन्होंने एक बार फिर से उनसे अपील की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का निस्तारण किया जाए। अब देखना होगा कि आखिर कब तक जनप्रतिनिधि इस समस्या को हल करवा पाते हैं। क्या नाम है आपका? हरी बाबू नाम है मेरा। कहाँ के निवासी? यही गड़ी सोना के निवासी हैं। ये जो दलदली रास्ते हैं, जिस तरह के हालात बने हुए यहाँ पर, लगातार जो है सड़क क्या दिखाई नहीं दे रही है, सड़क जलमग्न है, तो क्या कहेंगे इसे? अरे हम तो इसके लिए पूरे प्रयास कर रहे हैं, सभी कई सालों से प्रयास कर रहे हैं। हम यहाँ के बूथ अध्यक्ष भी हैं, पब्लिक हमसे कहती है, पब्लिक वहाँ नहीं जाती, हमसे कहते हैं टिकट दिलवाते हैं। तो जनप्रतिनिधि क्या आश्वासन देते हैं? कैसे कहते हैं? हाँ करते, कुछ नहीं, लिखित में सबूत है मेरे पास, सालों से लगे हुए मेरे के पीछे। ग्राम प्रधान भी हैं, ग्राम सबसे कह रहे हैं हम, बड़े स्तर के कोई कुछ नहीं कह रहे हैं, तो वोट के लिए जिम्मेदारी होती है बस। आपसे वोट लेने के लिए आते हैं तो तमाम वादे करते हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि वो विकास के लिए अग्रसर हैं, तो ये रास्ते क्या गवाही दे रहे हैं? गवाही तो देख आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष में, इसमें क्या पूछने की जरूरत है? बच्चे भी नहीं निकल पाते, मैडम आती हैं वो स्कूटी फंस जाती है उनकी, तमाम स्कूली बच्चे गुजरते हैं यहाँ से, सरकारी प्राइवेट सब बच्चे, सैकड़ों हजारों बच्चे निकलते इसमें रास्ता हो गए। क्या कहना चाहेंगे? जो हम चाहते हैं इसका सुधार हो जाए, कैसे भी उनसे क्या अपील रहेगी आपकी? अपील यही रहेगी, रास्ता निकलने को हो जाए बस, बहुत है भाई, ये तो आम चीज़ है, आम रास्ता है। किस तरह की समस्या है यहाँ पर जो जल भराव है? सब गामन के आते शाम हो दही गड़ी सब जे रास्ता है, तो बच्चा पढ़ भी जामे सब ले लेके गिरते जामे, और वोट मांग जाते हैं चले जाते हैं, हाँ बन जाए या बन जाए, कोई सुनवाई ना कर। तो कितनी मुश्किलें आप हैं, कितनी मुश्किलें है रही है, माँ बाकोनी से बाकोनी कितों कड़वे ना है, पूरे गाँव में जे रास्ता है बस, और कहीं नहीं है। सरकार कहती है कि विकास हो रहा है, सभी सड़कों को बनवा रहे हैं, जे गाँव में तो कोई ना है, देखो कितना कचड़ा पड़ा हुआ जी, देखो पानी भर रहा है, ना कोई नाली साफ, ना कोई कचड़े जी, बताओ घरन के पास जे घूले डर रहे हैं, जे अच्छे लग रहे हैं, शादी वादी होती है तो जी अच्छी लगती है, गंदगी तो वैसे भी खराब है, स्वास्थ्य हाँ, और जी हरी बीमारी तो वैसे चल रही है, जो कितनी कह रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, हाँ और जे कितने इस तरह की स्वच्छता, ना जो घूरे हटे ना जो घूरे ना कोई हटावे, यहाँ पे जी गंदगी कितनी है रही है जी, संजाव बहुत ज्यादा राहगीरों को तो परेशानी होती है, स्कूली बच्चे भी इस रास्ते, हाँ छोटे बच्चे जाते हैं बैगन ले लेके घर पत्ते जामे, यही बात जी, स्कूल में जाते बच्चे पढ़े हुए अभी छोटे छोटे, हाल ही में थोड़ी सी बरसात हुई है और हालात इस तरह के अभी तो हालात ही फिर जामे, भीतर घुस के जाते हैं भैया बीन जाते हैं, ऊंचे कर करके जाते हैं बच्चा ने लेके नहीं जाने पत्ते। क्या अपील करना चाहेंगे जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको आपने चुना है, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? आप जी कहना चाहेंगे जब बनवा दो बस, कैसे भी करके समस्या का हल, हाँ कैसे ना कैसे करके जी बननी चाहिए, सब गांव के लोग सब गांव सिंह है, इसको 20 साल हो गई, अच्छा घड़ी सोना का निवासी हूँ, 20 साल से बच्चा यहाँ के निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, रपट जाते हैं, कोई सुधार नहीं होता है, गांव सोना ही गड़ी है, पर अब जा वक्त कचड़े की गड़ी है, ये तमाम नेता आते हैं, तमाम नेता आते हैं, वादा कर जाते हैं, फिर वो लॉटरी तो आपका वोट तो आप अब आप वोट ले जाते हैं, लेना भी जरूरी है, वोट ले जाते हैं, विधायक ले जाते हैं, प्रधान ले जाते हैं और मंत्री ले जाते हैं, क्या लगता है आपको किसकी कमी मानते हैं ये? अब हम तो कह रहे हैं कि हमारे गाँव का सुधार हो जाए, कोई भी करे ठीक, हमारे गांव का सुधार हो जाए, ज़्यादा बच्चा पढ़ने कितने, कितने समय से समस्या है? ये करीब 20 साल हो गई, 20 साल से किसी ने सुनवाई नहीं करी, किसी ने नहीं करी है, करीब करीब 20 साल हो गई, देखिए कोई कोई सुनवाई नहीं है, ना पानी की, देखो आपको देख रही है।